ओके दोस्तों, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है वो भी गेमिंग कैटेगरी का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर दो, लेकिन हाँ, बाद में जब आपका चैनल टर्मिनेट या सस्पेंड या इस तरीके से जब दिक्कतें आएंगे तो आप सोचोगे आखिर में यार शायद अगर पॉलिसी के बारे में जान लिए होते या नियम कानून के बारे में जान लिए होते तो डेफिनेटली आपका चैनल सेफ जोन में रह सकता है या बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ है क्या है कि यूट्यूब ने जो दोस्तों अपनी नई पॉलिसी लेकर आया है और खास करके उन सभी के लिए जो गेमिंग चैनल्स हैं या जो प्रैंक चैनल हैं जो इस तरीके से कॉन्टेंट बनाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपत्तिजनक या कह सकते हैं न्यूडिटी या सेक्सुअल या इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वर्ड्स का वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई कोई बंदा चाहकर भी अपनी फैमिली में भी वो वीडियोस नहीं देख सकता, ऐसे कंटेंट वो क्रिएट करते हैं या ऐसे उनके साउंड्स होते हैं या ऐसे इमेजेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ कंटेंट के ऊपर बात नहीं की गई है, आपके टाइटल, थंबनेल, टैग, मतलब बहुत ही सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक नई पॉलिसी आई है जिस पॉलिसी का अगर किसी ने भी उल्लंघन किया, उल्लंघन का मतलब भैया किसी ने अगर उनके अगेंस्ट गए तो भैया इस बात का ध्यान रहे कि चैनल सीधा टर्मिनेट होगा, रिमूव होगा, सस्पेंड होगा, यानी कि नो कार्रवाई, कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों ये एक रियलिटी है जो मेरे पास भी कम से कम दो ऐसे केस आ चुके हैं जो एक 3 लाख से प्लस सब्सक्राइबर थे, एक जो है 1 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर थे जो चैनल था प्रैंक का, और मतलब विदाउट एनी रीजन, बिना कुछ भैया एक ही चीज आई कि भैया योर यूट्यूब अकाउंट इज रिमूव, दैट्स इट, सिंपल सा केस है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है पूरी स्क्रीन भी दिखती रहेगी और आपको मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि भाई मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगा, और सबसे मेन चीज़ की वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा जिसको आप ध्यान रखिए, और बिल्कुल अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट, आपका चैनल, आपकी मेहनत, सारी चीज़ें बच सकती हैं। कैसे, सब कुछ तो आप अब देखना। आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोस्तों ये ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट है इसका, यूट्यूब का यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट है जो कि यहाँ पे support.google.com का है। तो एक बार मैं वैसे यहाँ पे अपने लैपटॉप को ऑन कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे लैपटॉप हो गया चालू, और इसके बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल यहाँ पे support.google.com का यहाँ पर एक पोस्ट है, जो आर्टिकल आप इस तरीके से देख सकते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है कि गेमिंग एंड अर्निंग, राइट, गेमिंग एंड अर्निंग। अब आपको क्या करना है आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया गया है या बहुत सारी चीज़ें बोली गई है कि भाई टिप्स फॉर अर्निंग फ्रॉम गेमिंग वीडियो। यहाँ पे ये बताया कि भैया कुछ टिप्स दिए गए हैं कि अगर आपको जो गेमिंग के जो चैनल हैं, क्योंकि गेमिंग के चैनल बहुत ईजिली, और भाई लाइव स्ट्रीम देखो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बहुत इजी होता है, जाहिर सी बात है कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो गेमिंग की कैटेगरी का हो या अदर किसी भी कैटेगरी का हो, एफर्ट वो अपनी फुल लगाता है, मेहनत वो बहुत दबा के करता है, तो ऐसा नहीं कह सकते किसका कम है किसका ज़्यादा है, बट वो मेहनत जरूर करता है अपने चैनल के लिए। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी नियम कानून लिखे हुए हैं, अगर मैं इस नियम कानून को अगर आप यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो नियम है, ये आखिर में आए क्यों, ये भी चीज़ें देखो एग्जैक्टली भाई ऐसा है कि यूट्यूब ये चाहता है कि जो भी ऐड प्रोवाइडर है वो ऐसे कंटेंट के ऊपर ऐड देना चाहता है जो बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट हो, ऐसा ना हो कहीं पर भी कुछ भी यार मतलब ऐड शो हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या चीज़ मना कर रहा है यूट्यूब और क्या आपको ध्यान रखना, अगर आपका गेमिंग कैटेगरी का चैनल है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैं इसको एक बार यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए एग्जैक्टली भाई कि ये जो पेज है, तो यहाँ से मैं इसको ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया इसको, वेट, ये इसमें कुछ तो इशू आ रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर, बाकी यहाँ पर ये रिफ्रेश हो गया। और ये रिफ्रेश करते ही आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट यार हिंदी और इंग्लिश का, तो जस्ट मुझे यही चीज़ शो करना था कि भाई आप यहाँ पे हिंदी में लोगों को मैं और अच्छे से यहाँ पे समझा सकूँ। तो देखो भाई इसके अंदर यहाँ पर ये बोलता है कि भाई अगर आप जो है यहाँ पे देखिए जो ये लिखा हुआ है कि गेमिंग वीडियो से कमाई करने के लिए सलाह, पहली चीज़ भाई कि गेमिंग वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन देखना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी आपके समझ नहीं आएगा।
अब यहाँ पे ये बोलता है कि भाई कि अगर आप गेमिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी विषय है, कुछ भी अगर आपका कंटेंट है, तो इनके जो नियम है, इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो पॉलिसी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर वास्तविक या कंप्यूटर की मदद से भी लोग अगर लोगों को फीचर करने वाले आपके वीडियो को ऑडियो विजुअल टेक्स इमेजेस सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉइस हो, ऐसा नहीं है कि सामने सिर्फ बंदा बोल रहा हो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर, नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर लागू होगा। चाहे आपका वो टेक्स लिखा हो, चाहे वो आपका इमेजेस हो, चाहे वो आपका कोई वीडियो हो या आपके नॉर्मल वॉइस हो। तो इस तरह दोस्तों अगर यहाँ पे जो भी कमाई का जो आपका आइकन है यानी कि जो ग्रीन कलर का डॉलर है वो क्या हो जाएगा, बंद, तो बंद हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे आपत्तिजनक भाषा, यानी कि भैया यहाँ पे आपत्तिजनक भाषा का मतलब आप कुछ भी ऐसे गलत शब्द नहीं बोल सकते। जैसे कि यहाँ पे कुछ बोला गया, कुछ हिंट भी दिया गया है कि भाई गेमिंग वीडियो में गाली गलौज या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर आपकी वीडियो की कमाई की स्थिति बदली जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वीडियो के अंदर अगर गाली ग्लोज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो अर्निंग का जो डॉलर का जो सिंबल होता है ग्रीन कलर का, उसको चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल किया जा सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा थोड़ा बहुत गालीज, जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मे भी हो सकता है कि मेरा भी बंद हो जाए, तो इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा गाली ग्लोज, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे डैश डैश ज़्यादा के ऐसे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गाली ग्लोज, ऐसे आप समझ चुके हो, इतना समझदार तो आप हो ही। और इसके नीचे यहाँ पे अब आपको समझना है कुछ चीज़ें और कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए सलाह, गाली ग्लोज क्या है, सवालों की सूची के विकल्प और उसकी जानकारी। कहने का मतलब यहाँ पे तीनों चीज़ें बताई गई है कि अगर आप इस तरीके का अगर कंटेंट बनाते हो जिसके अंदर आप गाली ग्लोज ये सारी चीज़ें करते हो, भाई क्या बकवास है, ये क्या है, या इस तरीके से और भी बहुत नीचे बहुत सारा चीज़ें लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो ये चीज़। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे कोई भी चीज़ करते हो तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा, अगर आप इसमें बोला जाता है कि भाई कि वीडियो में थोड़े बहुत गाली गलौज जैसे ये और ये और ये का इस्तेमाल हुआ तो वीडियो के शीर्षक थंबनेल यानी कि जो टाइटल और थंबनेल के शुरुआत में आम तौर पर अगर 60 सेकंड तक अगर आपने मतलब गाली गलौज को सेंसर नहीं किया गया, अगर ऐसा किया गया तो वीडियो के शुरुआत में हिस्सा बीतने के बाद ज़्यादा गाली गलौज वाली भाषा जैसे ये और ये बहुत सारी चीज़ें। तो यार आप ये सारी चीज़ें अगर आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। तो आप यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके आप इजीली पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो वो हो गया गाली ग्लोज, दूसरा यहाँ पे है कि भाई इस तरीके से कंटेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि भाई न्यूडिटी हो गया या इस तरीके से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई वो सब चीज़ें यहाँ पे, आप सब कुछ है, आप सारी चीज़ें उसको आराम से पढ़ो जिसका गेमिंग का कंटेंट। देखो गेमिंग वाले ही नहीं भाई, गेमिंग वाले भी देखो, प्रैंक वाले भी देखो, जो नॉर्मल गाली ग्लोज इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर वो लोग भी देखें। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें भाई हिंसा, हिंसा का मतलब आपको पता है कि कोई ऐसा बंदा जो अपनी वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ बता रहा है भड़काऊ या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे उसकी बातों से लोग जो है हिंसावादी हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे स्टॉप यानी कि भैया शिकंजा कसा जा रहा है, तो आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे विवादित मुद्दे यानी आपको पता है कि भैया जो कंट्रोवर्सी होती है यानी जो इस तरीके से कुछ भी माहौल चल रहा होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, आप ये सब चीज़ों पे कभी भी आप चर्चा नहीं कर सकते, या आप ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक टॉपिक लेके बैठ गए कि अच्छा भैया कल की आत्महत्या को ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप उसको पर्टिकुलर आप इंडिकेट करेंगे तो मे बी आपके साथ ये एक्शन लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, बच्चों से बुरा बर्ताव, बच्चों का यौन शोषण, बाल विवाह, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, खाने से, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें आप पढ़िए और समझिए। संवेदनशील घटनाएं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। थंबनेल और मतलब देखिए टाइटल और थंबनेल ये भी शामिल है इस चीज़ के अंदर, तो इस बात का ध्यान रहे। अगर आपका थंबनेल और टाइटल के अंदर भी अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए इससे बचिए और इसका आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपका किसी भी तरीके से आपके चैनल पे नुकसान। ओके फ्रेंड्स, अगर ना हो आगे बताओ दोस्तों, यहाँ पे आगे आपको मैं बताऊं और थंबनेल की अगर यहाँ पे बात कही जा रही है कि भाई थंबनेल में मौजूद कंटेंट उदाहरण के तौर पर, थंबनेल की अगर बात की जा रही है यहाँ पे, इसमें सूची के उदाहरण पर कुछ नीचे दिया गया है, आप समझिए कि भाई थंबनेल में क्या चीज आप नहीं कर सकते। घुमा फिरा कर एक
घुमा फिराकर या बार बार खींचने वाले कंटेंट, धुंधले किए गए गुप्त अंगों के, मतलब आप समझ सकते हो इस तरीके से कोई भी ऐसा चीज़ जो आप ब्लर कर दे, बाकी आप सोचें कि भैया चलो यूट्यूब को पता नहीं चलेगा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। चौंका देने वाली इमेजेस या बहुत ही ज़्यादा न्यूडिटी से रिलेटेड या दिल दहला देने वाली इमेजेस, आप इन सब चीज़ों का भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें अपने थंबनेल के अंदर। चाहे आपका हॉरर से रिलेटेड कंटेंट हो या हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट हो या आप कोई भी अपडेट देते हो, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपका ग्रीन डॉलर कभी भी आपका वो दोबारा ग्रीन डॉलर नहीं होगा। अब अगर बात करें यहाँ पे आपके टाइटल की, तो टाइटल में जैसे कुछ नीचे दिया गया है भाई कि आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी स्पेलिंग के साथ जानबूझकर गलत स्पेलिंग के साथ लिखी गई गलतियाँ, देखो कितनी बड़ी चीज़ है यहाँ पे। कि कई लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा वो मतलब इंडिकेट तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो जानबूझ के गलती लिख देते हैं कि अच्छा ताकि सामने वाला समझ जाए बस इस चीज़ को, और ऐसी गलती करता, तो आपको ये भी नहीं करना है, ये भी बात ध्यान रहे। और कभी भी आपको अपने टाइटल के अंदर न्यूडिटी से रिलेटेड, सेक्सुअल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं शो करना है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो भाई ऐसे शीर्षक जो इस तरीके से यहाँ पे 90+, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कि जो ध्यान को खींचने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में आप इस तरीके से अगर आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें, अदरवाइज़ आपके चैनल को नुकसान हो जाएगा और आपका चैनल हो जाएगा डिसेबल और हो जाएगा सस्पेंड, रिमूव हो जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। आइयो कि आप सब कुछ समझ चुके हैं कि आखिर में आपको क्या करना है, किन चीज़ों के आपको ध्यान रखना है ताकि आपका चैनल सेफ जोन में रहे, चाहे आपका गेमिंग का हो या आपका कोई भी अदर अपडेट से रिलेटेड हो, नहीं कुछ भी। बाकी दोस्तों इस वीडियो का ये जो लिंक है, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके इसको आसानी से पढ़िए, सब पढ़िए, उसके बाद में आप अपने कंटेंट को बनाते रहिए ताकि किसी तरीके का कोई भी दिक्कत ना आए और आपको कोई भी भारी नुकसान का सामना ना करना पड़े। आयु के दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल और बहुत ही यहाँ पर आपके काम आएगी। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुँच सके, और डेफिनेटली अगर वो लोग भी ये चीज़ देखेंगे तो वो भी सतर्क रहेंगे और ऐसी कोई भी गलती वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई चैनल चला गया तो वापस नहीं आता है। इस बात का ध्यान रहे आप सभी को, क्योंकि दोस्तों लाइव प्रूफ हैं, एक एक मिलियन वाले जब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से जब चले जाते हैं तो आप सोचिए कि 4000, 5000, 10000 या 1,00,000 वाला कैसे बचेगा। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। बस फ्रेंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो भाई राहुल ले जाओ इसको, राहुल भाई ले जाओ भैया इसको। Mm-hmm.